नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार देश में फिर से ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, देश के ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स करार दिया। राहुल ने अपने पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर से जुड़ी एक खबर भी शेयर की, जिसमें शिंदे पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, राहुल ने एक्स पर लिखा कि किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में राहुल के सवाल खड़े करने की वजह से जो मुद्दा गायब हो गया था वो अचानक से फिर से सुर्खियों में आ गया। दरअसल मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं कराने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई के जरिए हैक करने का खतरा है। वहीं राहुल के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने राहुल पर हमला बोला और कहा कि राहुल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं और देश की छवि धूमिल करना चाहते हैं। ईवीएम पर राहुल के सवाल पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल ये पॉलिटिक्स है या देश की छवि खराब करने की साजिश? देखिए, जब आप देखेंगे राहुल गांधी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड से और रायबरेली से, तो शक तो उनको भी होता होगा कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है, कोई रहस्यमय चीज है उनकी शख्सियत को देखते हुए। लेकिन सच तो यह है कि सब जानते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती और उसको टैम्पर नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं जिसमें एक चिप है, प्रोग्रामेबल चिप है, ये इंटरनेट के जरिए नहीं चलता, तो इसलिए हैकिंग संभव ही नहीं है। और देखिए, अगर मुझे ये देश के नागरिक होने के नाते किसी की बात को मानना है तो मैं इलॉन मस्क से ज्यादा अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को और अपने देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानूंगी। मैं मानूंगी ईसीआईएल को, वो कंपनी, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इस तरह की मशीन्स को बनाती आई है और 82 से जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, और हम लोग सिखा सकते हैं और ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं इलॉन मस्क को भी। लेकिन आप देखिए कि जब सारा मैटर सेटल हो गया था और अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली थी, और खैर सेंचुरी तो नहीं मार पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका स्कोर बेहतर हुआ था, उसके बावजूद अपनी ही जीत पर शक और शुभा और संदेह डाल रहे हैं और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। जब वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं और बाकायदा इलॉन मस्क की बात की तस्दीक करते हैं, तो जाहिर सी बात है, साफ जाहिर है, उन्हें अपनी ही जीत पर विश्वास नहीं। देयर इज नो ओटीपी ऑन मोबाइल फोन दैट फॉर अनलॉकिंग ईवीएम एज इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइस एंड इट हैज नो वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन। इट इज कम्प्लीट लाय बीइंग स्प्रेड बाय दिस न्यूजपेपर। त्याच्यामुळे जे आहे की ऍडव्हान्स टेक्निकल फीचर्स आहेत त्याच्यात, ही डिजिटल सिस्टीम आहे, देर इज नो कम्युनिकेशन डिव्हाइस ऑन द ईव्हीएम। ईव्हीएमचं जे आहे ते आपण रिझल्ट सेक्शन प्रेस करतो त्याचा, आणि रिझल्ट बटन हे काउंटिंग पोल मतदानाच्या दिवशी पोलिंग एजंटच्या समोर आपण तो रिझल्ट सेक्शन सील करतो आणि काउंटिंगच्या दिवशी काउंटिंग एजंटच्या समोर। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे, पहले
वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग, तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं जनता को, जैसे भ्रम को दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है, तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत देखिए, राहुल गांधी खुद ब्लैक डीड्स करते रहते हैं और कर्नाटका में जो ब्लैक डीड किया है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो अब चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से ईवीएम विलाप शुरू कर दिया गया है और वो भी झूठ के आधार पर। अभी इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जो झूठी खबर को लेकर राहुल गांधी और उनकी जमात नाच रही है और कह रही है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता है, उसको पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईवीएम को अनलॉक करने की कोई ओटीपी मोबाइल की मशीन नहीं होती, ईवीएम स्वतः एक अपने आप में आइसोलेटेड मशीन होती है, कैलकुलेटर की तरह होती है, ना वो इंटरनेट से करे। तो देखिए, एक लंबे वक्त के बाद फिर से ईवीएम का जिन्न बाहर आया। ईवीएम का जिन्न पहले तो था, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम आए थे उसके बाद ईवीएम बेचारी कम से कम ऐसा तो लग रहा था कि वो बेवफा नहीं है, सबसे वफाई कर रही है। लेकिन अचानक से फिर एलोन मस्क का एक ट्वीट आता है, पोस्ट आता है सोशल मीडिया एक्स पर, और अचानक से फिर से जिन्न निकलता है ईवीएम का। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ विजय शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिशिर जी बहुत स्वागत आपका। शिशिर जी, परिणाम जो है उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? ईवीएम फिर दगा दे गई क्या? देखिए अभिषेक जी, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा इस विषय पे। बेसिकली आपको पता है कि महाराष्ट्र मुंबई में उत्तर पश्चिमी सीट से जो उम्मीदवार एनडीए के चुनाव जीते, रविंद्र बायकर या जो भी नाम उनका है, रविंद्र बायकर, और उन्होंने जो जैसे उनके एक रिश्तेदार जो है उनके मोबाइल से ईवीएम के साथ जुड़ाव जो वहां की पुलिस कह रही है अपने इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसा जो है वो है, और इस बात की चर्चा पुलिस सूत्रों से बाहर निकल करके आई है, कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जो हो रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। दूसरी बात ये कि अगर इन गड़बड़ियों पे ध्यान नहीं दिया गया, अभिषेक जी हमारे राहुल जी ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्थाएं गैर जवाबदेह हो जाएं तो फिर लोकतंत्र मजाक बन करके रह जाता है। तो कुल मिलाकर के उस पर सवाल उठना लाजमी है अगर इस तरह की बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ रही है सामने, और पुलिस ने इस बात को अगर कहा है कि उनका मोबाइल फोन उस ईवीएम से कनेक्टेड था। और देखिए एक बात और है कि दोनों के जीत हार का जो अंतर है, जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के जीत हार का अंतर मात्र 48 वोट से है, ये भी संज्ञान में आपको होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी है, और कांग्रेस पार्टी बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक इस पर सवाल उठा रही है। और नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, कई सारे विदेशों के एक्सपर्ट्स ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि अगर इस प्रकार की चीजें हो आपको रही हैं, तो जी, आपके देश के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको आपके देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन एक 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 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाला एक बिजनेसमैन अमेरिका में बैठा हुआ शख्स एक ट्वीट करता है, एक पोस्ट करता है, अब आप उसके पोस्ट को आधार बना करके ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा देना चाहिए बैलेट से पेपर। अभिषेक जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या मुंबई पुलिस पे देश को भरोसा नहीं है, या इस भारतीय जनता पार्टी की टीम को भरोसा नहीं है, या ऐसे तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे, क्या उस पे भरोसा नहीं है? सवाल क्या है कि मुंबई पुलिस के सूत्रों से यह खबर आई है सर, मैं ये कह रहा हूं ना आपको। मैंने एलन मस्क के बयान को कोट नहीं किया। नहीं, आपके नेता ने उसको नहीं,
देखिए हमारे चर्चा का विषय ही है, आपके नेता ने उसी पोस्ट को आधार बनाया है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ एक इश्यूज वो हो सकता है, वो सबॉर्डिनेट इश्यूज है, लेकिन जो प्राइमरी इश्यूज है वो ये है कि भाई मुंबई पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया कि रविंद्र बायकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईबीएम के साथ कनेक्टेड था और ये इन्वेस्टिगेशन में ये बातें निकल के सामने इसका कंफर्म बयान, इसका कंफर्म बयान कोई है, इसका कंफर्मेशन कुछ है? सर सुन लीजिए ना, मोबाइल फोन लेकर के वो शख्स जो रविंद्र बायकर का रिलेटिव है वो काउंटिंग जो सेंटर है वहां जाता है और उस मोबाइल फोन को पुलिस के द्वारा जब्त किया जाता है, उस व्यक्ति से भी पूछताछ होती है और वो तमाम चीजें जो निकल करके सामने आई हैं उस सोर्सेस के आधार पे कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रही है कि कहीं ना कहीं से अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो ये बेहद ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और अगर ऐसा है तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा जाएगा। ठीक है विजय जी, लीजिए जो लग रहा था कि कम से कम 4 जून के बाद बेचारी ईवीएम तो बच गई, सबके साथ कम से कम ढंग से वफाई कर दी, लेकिन ऐसा है नहीं सर, बेवफाई को लेकर के सवाल उठने लगे कि ईवीएम तो बेवफा है ही। अभिषेक जी देखिए, मैं शिशिर जी को बताना चाहता हूँ, ये सस्ती लोकप्रियता की बात है और लोगों का ध्यान भटकाने की चीजें है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने झूठे वादे किए थे जनता के साथ और किस तरह से जनता लाइनों में लग गई थी 1,00,000 रुपए लेने के लिए इनके कार्यालयों के सामने। दूसरा क्या हुआ, कर्नाटक में इन्होंने झूठे इतने वादे किए वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसके लिए इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी, मीडिया में होने लगी, अखबारों में होने लगी, जनता में होने लगी। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने ये सोची समझी साजिश के तहत ये मुद्दा उठाया है कि 4-5 दिन मीडिया का ध्यान अपना इस पे चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे और इस तरह की बातों पे चला जाएगा और निश्चित तौर पे वो सफल हुए कि आज देखो कितने चैनल पे ये डिबेट हो रही है। तो इनको भी पता है, अच्छे से पता है कि इनके भी 52 से 99 हो गए, कर्नाटक में इनकी सरकार आ गई, हिमाचल में इनकी सरकार आ गई, कई अपना तेलंगाना में इनकी सरकार आ गई। तो इनको पता है कि ईवीएम निष्पक्ष है, ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं, नहीं है। वो तो रविंद्र बायकर की जीत को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि 48 वोट जो कि देश में इस बार के चुनाव में सबसे कम हार जीत का अंतर जो वोटों का रहा है वो उन्हीं का रहा है, उनके पता नहीं, ये कंफर्म्ड अभी बयान कहीं आया नहीं है, लेकिन शिशिर जी कह रहे हैं कि पुलिस ने मोबाइल जब्त किया, मोबाइल जब्त करने के बाद वो मोबाइल ईवीएम से कनेक्टेड था। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि इसमें एक शिकायत दी गई पुलिस को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो राहुल गांधी जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं, इसी पे है क्या है? अभी जांच कंप्लीट हुई नहीं और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। भाई आपको भी ऐसे लगता है, आप एज्यूम करते हो, आपके आरोप हैं कि भाई मेरी जो मार्जिन था वो बड़ा कम है और ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो उस जो निराधार उनके आरोप है उसके आधार पर पुलिस पे गए, पुलिस का ठीक है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का जो निष्कर्ष होगा देश के सामने, जनता के सामने होगा। अगर उस पे भी ये भरोसा नहीं करते तो फिर उसके खिलाफ ये 156(3) में अपना जो भी इलाका मजिस्ट्रेट है उसके सामने जा सकते हैं, हायर अथॉरिटी में जा सकते हैं, और वो भी एक बॉम्बे का अकेला एक सीट का 543 में से। तो इस तरह से देश की छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी ना करे, मेरा निवेदन है कि ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। कोई भी निष्पक्ष प्रणाली हो, संस्था हो, एक सेकंड लगाते हैं उनके ऊपर, ये आरोप लगाने के ऊपर। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को अभी जो पैरोल कहो, जमानत कहो, एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस में मिली थी उनको कि भाई आपको चुनाव करने के लिए फ्री किया जाता है। आपने देखा होगा बीजेपी की तरफ से एक उंगली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं उठाई गई, सबको पता है कि ये बड़ा एक अजीब सा फैसला था, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का हर कोई सम्मान करता है, और जॉर्ज सोरेस $1 बिलियन जो है मोदी जी को हराने के लिए रखा हुआ है, सोशल मीडिया पर किस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये जो है जो विदेशी ताकतें हैं, ठीक है, अब शिशिर जी अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है ईवीएम को,
बावजूद इसके आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए दरअसल बहुत सारी बातें हैं, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने चुनाव आयोग से दरख्वास्त की, कुछ दिनों पहले की बात है, शायद आपको संज्ञान में भी होगा ये बात। वो टेक्नोक्रेट हैं, सौरभ भारद्वाज नाम है। उन्होंने, उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने एप्लीकेशन दिया कि भाई ऐसा है कि एक डेमो देख लीजिए ईवीएम के विषय में, और हम जो है वो डेमो करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी हैकिंग हो सकती है या नहीं हो। चुनाव आयोग ने डेमो दिखाने की बात तो दूर, वहां पर चुनाव आयोग ने समय भी नहीं दिया। सवाल इसका नहीं अभिषेक जी कि क्या हो रहा है, सवाल इसका है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं इस प्रकार से गैर जिम्मेदार होंगी तो सवाल तो खड़े होंगे। और अगर भाई सवाल मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से, कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि भाई ठीक है, मान लिया जो है वो आप बहुत, आपका बिजी शेड्यूल है, आप उसमें वक्त नहीं निकाल सकते, या आपको लगता है कि वक्त बर्बाद करने का एक जो है वो तरीका है, लेकिन एक बार शिशिर जी, अगर कहीं आपको इसी चीज पे याद होगा, आपने जब जिक्र किया सौरभ भारद्वाज का, आपको याद होगा, मैं कंप्लीट कर लूं क्या शिशिर जी, मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है ना? तो मेरा साफ तौर से ये कहना है कि एक बार देख तो लेते, एक बार देख लेते, पानगी देख लेने में दिक्कत क्या है? आप भी सेटिस्फाई हो जाइए ना, आप भी संतुष्ट हो जाइए ना। ठीक है विजय जी, मैं लेता हूँ जवाब आपसे, लेकिन इसमें एक चीज शिशिर जी मुझे बताइएगा, आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा के अंदर ईवीएम कैसे हैक होता है वो चीजें शो ऑफ की गई थी, ठीक है? उसके बाद इलेक्शन कमीशन में मामला था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हर पार्टी से नेता आए, कार्यकर्ता आए, जिसको आना है आ जाए और ईवीएम हैक करके दिखाए, पार्टी का किसी भी पार्टी का एक भी नेता कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया था, याद होगा आपको? इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। हम तो जो संस्मरण आपको बता रहे हैं, मैं उसी संस्मरण के हिसाब से बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया था। चुनाव आयोग ने, मुझे याद है उसमें चुनाव आयोग ने जो है वो टाइम नहीं प्रोवाइड किया। क्या बात कर रहे हैं सर, इलेक्शन कमीशन बैठा रहा उस तारीख को, कोई नहीं पहुंचा। अब ये तो मैं एग्जैक्ट डेट आपको, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट वो तारीख तय की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, कोई नहीं पहुंचा। अभिषेक जी मैं एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने अभी बताया ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट ही बता रहा हूँ, और ज्यादा पुराना मामला नहीं है, मैं भी हिस्टोरिकल फैक्ट ही बता रहा हूँ आपको सर। ये जो है कुल मिलाकर के देखिए है क्या ना कि भाई ठीक है, मान लिया जो ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं ना, वो आजकल के नवाब होते हैं, आपको पता है कि नहीं, अपने हिसाब से चीजों को जो है, उनको लगता है ना कि इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर, तो उनको लगता है कि सर्वस्व हम हैं। ये कॉलोनियल सिस्टम जो है ना, इस कॉलोनियल सिस्टम को इस देश में बदलने की जरूरत है, आप निवेशक व्यवस्था का ये जो पार्ट है विजय जी बदलने का, चुनाव आयोग के लोग भी उसी के पार्ट के ये में है, दायरे में है। तो आप इन सब को, ये जो शासक वर्ग की जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को जो है वो हटाने की जरूरत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अभी ठीक है विजय जी, बोलिए विजय जी। शिशिर जी शायद आप जो है तैयारी करके नहीं आए, आपको मैं बताऊं, आपके पूर्व के नेता जो अभी फिलहाल कांग्रेस में नहीं है, बड़े सीनियर नेता रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं कपिल सिब्बल, इसी तरह के आरोप उन्होंने ब्रिटेन में लंदन में बैठ के लगाए थे, और उसके बाद में फिर किस तरह से उनको बंगले झांकने लगे, तो ऐसे ही सौरभ भारद्वाज जी ने झूठे आरोप लगाए थे और काफी पार्टियों ने लगाए थे, उसमें फिर चुनाव आयोग ने आपको पर्याप्त समय दिया था कि हम आपको देते हैं, आप हमें बताइए कैसे हैक हो सकती है। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप झूठे आरोप लगाए और इसको आपके हिसाब से चला दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बातें सारी सुनी, सुनने के बाद में अपना फैसला दिया, चुनाव आयोग के हक में दिया, आप 50 बार जा चुके हो, उसके बाद में चुनाव आयोग ने आपको निष्पक्ष तरीके से दिया। आप मुझे बताओ, मेथड बताओ कि कैसे हैक हो सकती है। दुनिया का एक आदमी लाइए, अमेरिका से बड़ा तो कोई नहीं है टेक्नोलॉजी में,
उसका कोई भी आधिकारिक बयान दिखा दीजिए कि कैसे हैक हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय की हमारी ऑफिशियली वो आई थी कि किस तरह से बाहरी शक्तियों ने इसको हैक करने की कोशिश की है, पर हमने उनको नाकाम कर दिया क्योंकि हमारी मशीनें फुल प्रूफ है। तो आप देखिए, समझिए, टेक्नोलॉजी को जानिए, ऐसे ही झूठे आरोप आप सबको पूरी दुनिया को देखिए। शिशिर जी, मैंने आपको कहा था, विजय जी, शिशिर जी, मैंने आपको कहा था, मैं आपको डेट भी बता दूंगा, 3 जून 2017 आम आदमी पार्टी ने पहले अपने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जो वो डेमो दिया, उसके बाद चैलेंज किया था, ये देख लीजिए, चैलेंज किया था चुनाव आयोग ने। 3 जून को बैठा रहा चुनाव आयोग, एक भी पार्टी के कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचे हैक करने की, जो उनका प्रोसीजर है वो दिखाने के लिए। शिशिर जी, 3 जून 2017, अभिषेक जी छोटा सा मेरा जवाब रह गया था। विजय जी पूरी, ठीक है शिशिर जी, पूरी कर लेने दीजिए उसके बाद, ठीक है शिशिर जी, एक सेकंड, वो पूरी कर ले रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ। शिशिर जी, सौरभ भारद्वाज का ये नाम ले रहे हैं, एक मिनट उनको पूरी कर लेने दीजिए। दो बार दिल्ली में लगातार प्रचंड बहुमत के साथ जीते इसी ईवीएम से, वो पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते इसी ईवीएम से, वो आदमी लगा रहे। अगर ईवीएम ऐसे ही होती तो क्या उनकी 70 में से 67, 70 में से 63, 70 में से 62, इस तरह की, किस तरह से? ठीक है शिशिर जी, अब बोलिए, ठीक है विजय जी, अब सुन लीजिए इस पे, ठीक है शिशिर जी बोलिए। नहीं नहीं सुन, जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने आवेदन दिया था मिलने का अभिषेक जी, तो उस समय चुनाव आयोग ने के पास समय नहीं था क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और क्या वो इतने, ये क्या देश के शासक हैं वो, कि जब वो टाइम देंगे तब हम उनके पास जाएंगे और उनको तब हम डेमो दिखाएंगे? ये इस प्रकार की बातें जो वो, मैंने यही इसी बात पे सवाल उठाया कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ पे जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से, ये अलग, अगला ये अलग विषय है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है, ईवीएम की बात है। अगर ठीक है सर, शिशिर जी एक चीज है, अगर चुनाव आयोग नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वहां प्रूफ कर देते कि ये हैक हो सकता है। अभिषेक जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हमने समय जब मांगा तो उनके पास वक्त नहीं था हमारे लिए, हमने तो बाकायदा लिखित रूप से समय मांगा था ना उनसे, तो उनके पास वक्त नहीं था, और वो समय देंगे और उस समय के मुताबिक हम चलेंगे। चलिए ठीक है, इस देश की व्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि अपने अपने हिसाब से कौन चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर चीजें प्रूव करनी थी तो वहां क्यों नहीं प्रूव कर पाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और हम मानेंगे किसे, एलोन मस्क को, या हम मानेंगे अपने देश की संवैधानिक संस्थाएं, अपने देश की न्यायपालिका को मानेंगे किसे, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब तलाशने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।